सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले काफी सारे नए अपडेट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले कुछ नए इमोट्स के बारे में, फमास के अंदर एक नया अटैचमेंट आने वाला है उसके बारे में, और यहाँ पे फ्री फायर के अंदर नए ग्राफिक्स का सिस्टम आ रहा है तो वो कैसे काम करेगा, कौन कौन से नए ग्राफिक आएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग वॉइस चैट, जो कि मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था, वो भी यहाँ पर फाइनली आने वाला है, तो वो कैसा दिखता है, कैसे यूज़ होता है, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली फ्री फायर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिक के अंदर आए हुए कुछ नए सेटिंग्स के बारे में। जो हमारा ग्राफिक होता है अल्ट्रा स्मूथ और स्टैंडर्ड, उसके अंदर चार नए ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लासिक है, ब्राइट है, विविड है और ओशन है। तो ये चार नए ऑप्शन है, इनको मैं चेक के दिखाता हूँ आपको गेम के अंदर कैसे ये काम करते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अल्ट्रा सिलेक्ट किया हुआ है, और ये जो मैं गेम के अंदर आपको जाके दिखाऊंगा इसके अंदर यही सेटिंग रहेगा अल्ट्रा वाला। इसके अंदर मैं चारों के चारों चेंज करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये काम करता है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैंने नॉर्मल सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि उन चारों ऑप्शन के अंदर था सबसे पहले। तो ये नॉर्मल के अंदर कुछ इस तरीके का ये मैप आपको दिखेगा, मतलब ये आसपास की लोकेशन, पेड़ वगैरह आप ध्यान से देख सकते हो। अभी यहाँ पे इसके बाद मैंने ब्राइट कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइट के अंदर थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है वो बढ़ चुका है। यहाँ पे थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसीलिए थोड़ा धुंधला टाइप का भी लग रहा है कुछ कुछ जगह। और बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना इन चारों में से आपको कौन सा बेस्ट लगेगा। और यहाँ पे इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया विविड। विविड के अंदर आप देख सकते हो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, मतलब थोड़ा जो परछाई होता है, शेडो होता है, वो थोड़ा बढ़ गया। बाकी ब्लैक कलर थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, पिछले वाले में ब्राइट में वाइट थोड़ा बढ़ गया था। और अभी हमारे पास है लास्ट वाला सेटिंग, जो कि ओशियन है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी ब्राइटनेस बढ़ चुका है, लेकिन ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा ब्लू कलर टाइप का दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मेरे को इन चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। इसके अंदर जो कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम है वो भी थोड़ा अलग सा दिख रहा है, मतलब चमक रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि इन चारों सेटिंग में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास के अंदर आने वाले नए अटैचमेंट के बारे में। जो AWM का एक नया अटैचमेंट आता है, VSS का आता है, MP5 का आता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है फार्मास के अंदर एक नया अटैचमेंट आने वाला है। और जिस तरीके से अभी सिस्टम चल रहा है, मतलब फार्मास का एक फार्मास एक्स वर्जन आएगा, मतलब आप बोल सकते हो फार्मास 2 हो गया, पहले फार्मास था और अभी एक नया फार्मास एक्स मिलेगा। तो इसके अंदर एक अटैचमेंट मिलेगा जो कि बहुत ही काम आएगा। वो कैसे काम आएगा, क्या यूज़ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि आप में से कितने बंदे हैं जो अभी के टाइम पे भी फार्मास को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मास के अंदर कौन सा अटैचमेंट है। इसका नाम है ट्राइडेंट, और इसका काम क्या है वो तो मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ एडम के ऊपर। बेसिकली इसके अंदर जो तीसरा गोली निकलता है, आपको पता है फार्मास को जब हम टैप करते हैं तो 3 गोली टोटल बाहर आता है, तो उसमें से जो तीसरा गोली होगा उसका डैमेज ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल जो फार्मास है वो दिया 28 का डैमेज बॉडी पे, और ये जो हेड पे दिया वो दिया 154 का। अभी ये वाला फार्मास यूज़ करते हैं जिसके अंदर अटैचमेंट है, तो आप देख सकते हो पहला जो गोली है वो कम दिया, लेकिन उसके बाद का जो है 50-50 दे रहा है, मतलब आप मान सकते हो तीसरा गोली जो होगा उसका डैमेज बहुत ज़्यादा रहेगा। पहले दो गोली का 28 आ रहा है, और उसके बाद जो तीसरा गोली है उसका 50 दिख रहा है यहाँ पे। तो एक तरीके से अच्छा गन है। बाकी टैप के अंदर 3 गोली निकलता है, तो आप लोग ही कमेंट करके बताना कि ये अच्छा है या फिर नहीं अटैचमेंट। मतलब अटैचमेंट तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद क्या फार्मास को यूज़ करना सही रहेगा, आप लोग कमेंट करके ज़ोर से बताना। बाकी गाइस, हेडशॉट के ऊपर आप देख सकते हो 275 का डैमेज दे रहा है, जो कि पहले 154 का दे रहा था, मतलब कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। 275 और 154 कितना अंतर है आप खुद ही देख सकते हो। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो के लास्ट दो अपडेट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे गाड़ी के अंदर कुछ चेंज है उसके बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे नए वॉइस चैट सिस्टम के बारे में।
वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है, तो ध्यान से जरूर से देखना। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और जिन बंदों को नोटिफिकेशन नहीं आता सब्सक्राइब किया हुआ है फिर भी, वो लोग एक बार अनसब्सक्राइब करके उसके बाद फिर से सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ध्यान से दबा देना ऑल पे। तो गाइस गाड़ी के अंदर कोई बड़ा वाला चेंजेस नहीं है। ट्रेनिंग मोड के अंदर जो हॉर्न का ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर, वो जो हॉर्न का ऑप्शन है वो रैंक मोड या फिर क्लासिक मोड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले अपडेट के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साउंड का सिस्टम है, मतलब जो हॉर्न है उसका ऑप्शन आ चुका है। अभी यहाँ पर आपको मैं एक दो हॉर्न बजा के सुना देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉइस चैट सिस्टम के बारे में। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले नए क्विक मैसेज वाले सिस्टम के बारे में, ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो। ये बेसिकली स्क्वाड मैच या फिर डुओ मैच के अंदर काम आएगा। आपको अगर कोई भी मैसेज भेजना है अपने टीममेट को, वो भी बिना माइक ऑन किए, उस टाइम पे आप इस चैट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे इस वाले के अंदर एक बटन दिख रहा है, इस बटन को यूज़ करोगे, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस है, इनमें से आपको जो भी मैसेज भेजना है उस पर टैप करना है, और वो मैसेज जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है उसी तरीके से आपके टीममेट को भी दिखेगा। और गाइस मैंने आपको बोला था कि एक नया वॉइस चैट सिस्टम आ रहा है, तो वो तो नहीं आया, लेकिन इसके जगह ये क्विक मैसेज वाला आ गया। मतलब वॉइस चैट के अंदर क्या होता है, सेम यही होता है, लेकिन उसके अंदर साउंड आता है, मतलब इसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो मैसेज जो है पढ़ के सुनाया जाता है ऑटोमेटिकली गेम के द्वारा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर वॉइस वाला भी आ जाए, मतलब अगर आप कोई मैसेज भेजोगे तो वो वॉइस के अंदर भी सुनाई दे टीममेट को। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जब आप मैसेज भेजते हो ये वाला, तो आपके टीममेट को डायरेक्टली ये मैसेज अपनी स्क्रीन पे दिख जाता है। बाकी इसको ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है, ऑफ करने का भी ऑप्शन है, तो इसके अंदर अभी भी काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं, और ये कभी भी गेम के अंदर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद, या फिर हो सकता है कुछ महीनों के बाद। अभी ये टेस्टिंग के अंदर चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला सिस्टम कैसा लगा। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।